तो गाइस अभी भी बिस्तर का काम खत्म हो गया है और भी बाकी है, बाहर झाड़ू लगाना बाकी है और बहुत सारे काम है। अभी भी मैंने अपने चेहरे पे नहीं धोया है, बस उठकर ये सब कर रही हूँ, यानी बिस्तर मिला रही हूँ। और ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है काम करने के लिए आफ्टर डिलीवरी, तो बच्चे के साथ ही ज़्यादा समय निकल जाता है। तो गाइस ऑलमोस्ट कमरे का काम जो है वो हो गया है और थोड़ा बहुत कपड़े धो लिया था, तो उसको मैं सुखाने जा रही हूँ। दीदी ये भैया, hey दी, ये भैया, hey guys, welcome back to my channel। आप सबको मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक हो। तो आफ्टर डिलीवरी ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, ब्लॉग। तो बहुत समय से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो मैं आज आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं, बस डिलीवरी के बाद मैं अपने काम को कैसे मैनेज करती हूँ अपने बेबी को। तो हाँ, आज मैं आप लोगों को अपनी बेबी नहीं दिखाऊंगी, लेकिन अगले व्लॉग पे मैं अपनी बेबी के साथ ही वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दिल खोल के। साथ में मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अभी अभी झाड़ू लगा कर हो चुका है और किचन में भी बहुत ज़्यादा काम है, तो वो सब भी मैं अभी करने वाली हूँ। और हाँ, मेरी डिलीवरी कैसे हुई वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरे अगले वीडियो पे। तो मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, जर्नी कैसा था वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहे। तो चलिए, मेरा रूम का जो है वो हुलिया ठीक हो चुका है, यानी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है आफ्टर डिलीवरी, पता नहीं क्या हो गया है, कोई भी काम जो है वो समय पे नहीं हो रहा है, टाइमिंग जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। तो आई होप हर किसी का ऐसा ही होता है। किचन की तरफ चलते हैं, बेबी अभी नींद में है, मैं थोड़ा बहुत काम भी कर लूँगी और अपना स्किन केयर भी कर लूँगी। किचन का हालत बिल्कुल ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो सुबह बहुत देर में मैं जागी थी और मुझे मेरे हस्बैंड को काम पे भेजना था, जल्दी जल्दी मैं ब्रेकफास्ट बनाकर मैंने उन्हें काम पे भेज दिया है, लेकिन किचन जो है वो अभी समेटना पड़ेगा। तो दिखाती हूँ मैं कैसा है, ये हाल हो रखा है, आप लोग देख सकते हो, इस तरह से पूरा बिखरा हुआ है। तो अभी मैं इसको ठीक करूँगी बेबी के जागने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं बर्तन से।
ओके, इस पर मैंने चाय चढ़ाया है और साथ में सब्जी बनाने के लिए मटर उबाल रही हूँ और बाहर थोड़ा बहुत चेयर है जिसको मुझे पोंछना पड़ता है बैठते समय बहुत ज़्यादा। हम लोगों का घर जो है वो रास्ते पर ही पड़ता है जिसके कारण बहुत ज़्यादा धूल जमा होता है तो हमें पोंछना पड़ता है। वही कर रही हूँ और अभी बेबी के उठने के समय भी हो रहा है तो मैं फटाफट से चाय पी लूँगी और एक वीडियो मुझे शूट करना है जो मैं चाय पीने के बाद शूट करूँगी। तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छी चाय बनकर हो गई है और मैं अभी चाय पीऊँगी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग इतना ही है।